सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। मोरनी के बज चुके 10, तो आज वैसाखी भी है। तो वैसाखी की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत लख लख बहुत बधाई हो भाई। तो आज आप ये देख रहे हो भाई, ये कुर्ता कैसे पहन रखा है ना भाई। तो ये भाई मेरी मैरिज का है, शादी का है ये, मतलब कुर्ता पहना था मैंने शादी वाले दिन, तो आज भी पहन रहा हूँ। तो बस वीडियो को एंड तक बने रहना, जुड़े रहना। तो मिलते हैं आपको गुरुद्वार के अंदर। हमारी खुशी भी तैयार हो गई है भाई। पापा जैसे रेड रेड कलर का पहन रखा, जिद करने लग गए। तो चलते हैं गुरुद्वारे। खुशी चलेगी गुरुद्वारे? कहाँ जाएगी आज? गुरुद्वारे जाएगी भाई आज। चलते हैं फिर। चले खुशी, हाय बोल दो, बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो, बाय बाय। चलो चलो जी, हम रवाना हो चुके हैं स्कूटरी से, मेन रोड पे आ चुके हैं। तो चलते हैं गुरुद्वारा दमदान साहिब। मौसम थोड़ा ठीक है आज, तो आज हम स्कूटरी भी जा रहे हैं। ट्रैफिक भी थोड़ा सा है आज, बैसाखी के दिन तो भीड़ होगी उधर। जा रहे हैं भाई, रवाना हो चुके हैं। खुशी भी है साथ में, पीछे बैठी है आराम से। तो चलते हैं। तो दोस्तों, गेहूं भी पक चुकी है, येलो येलो लगा हो चुकी है, गोल्डन कलर तो बिल्कुल पक चुकी है। अगले महीने शायद काटना शुरू हो जाएंगे इसको। आप काटने तो अभी भी लग गए हैं, मतलब पूरी तरीके से अगले महीने से काटने लग ही जाएंगे। इधर पिछली बार तो थोड़ा कम थी गेहूँ पकी थी, अब तो बिल्कुल पक चुकी है गेहूँ। देख सकते हैं आप, इतना गोल्डन कलर हो चुका है। हमारी गेहूँ तैयार हो चुकी है। मौसम भी ठीक हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब सूरज थोड़ा डाउन हो चुका, नीचे की तरफ चला गया शायद, तभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। वो भी ठंडी ठंडी चल रही है अब तो। गेहूँ के खेत हरे भरे हो चुके हैं, हरे भरे नहीं पक चुके हैं, ब्राउन कलर हो चुके हैं भाई। तो दोस्तों, आज थोड़ा शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे आज। तो इस रोड से मैं कम ही गया हूँ, तो आज लेके जाएंगे आपको, दिखाते हैं रास्ता। ये 2 किलोमीटर का फर्क है, 2-3 किलोमीटर फर्क पड़ता है इधर से, ना 2 किलोमीटर नज़दीक पड़ता है, शॉर्टकट रास्ता है, गांव में से जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए गुरुद्वारे, गुरुद्वारा दमदान साहिब। इधर सरोवर है, तो चलते हैं मत्था टेकने के लिए, दर्शन कराते हैं आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी के। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, जुड़े रहना। तो चलते हैं अंदर की तरफ। गुरुद्वारे पहुंच गए हम। तो दोस्तों, गुरुद्वारे पहुंच गए, देख सकते हैं आप। तो परिक्रमा कर रहे हैं सरोवर की, तो रौनक है भी आज, मतलब भीड़ है, लोग आए हैं बहुत ज़्यादा बैसाखी वाले दिन। तो चलते हैं अंदर, तो आपको गुरुद्वारे अंदर तक दर्शन करवाएंगे। ये गुरुद्वारे के अंदर इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, देख सकते हो आप, वाइट रेड ब्लू। बगीचा बना रखा छोटा सा,
सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, वाइट कलर के भी हैं। वाह क्या कितने खूबसूरत लगा रखे हैं फूल, है ना दोस्तों। कोई देख सुंदर सुंदर फूल, दिवाले कलर के, कितना सुंदर बगीचा बना रखा छोटा सा फूलों वाला। ये देखिए भाई, खुशी मैं गेहूं के खेत में आया भाई, गेहूं पक चुकी है ना, खुशी गेहूं पक चुकी है ना, ये देखो वो भी गोल्डन कलर की होगी है, चाहो तो खेत ही खेत है ना खुशी, खेत ही खेत है ना चाहो तो आप। ओ चाहो तो खेत ही खेत है। ये देखो दोस्तों गेहूं पक चुकी है भाई, देख सकते हो आप, गेहूं के खेत में खड़े हैं, आपको दिखाने के लिए आया था मैं इधर खेतों में। गेहूं बिल्कुल पक चुकी है, गोल्डन कलर की हो चुकी है भाई। ये गुरुद्वारे का मेन गेट है, गुरुद्वारा से भी गुरु तेग बहादुर जी की याद में बनाया गया गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दमतान साहिब। तो इधर मेला भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, छोटा सा मेला लगा रखा है, बच्चों के खिलौने कुछ भी चीज़ ले सकते हैं इधर से। ये खुशी की मम्मी खुशी सामान ले रही है, खिलौने ले रही है इसके लिए कुछ। ओ दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो आज वैसाखी थी तो आज गुरुद्वारे आए थे मत्था टेकने के लिए, तो गुरुद्वारे मत्था टेक लेता, लंगर लंगर भी खा लेता। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कैसी लगी वीडियो। तो अगली वीडियो मिलते हैं एक नवी वीडियो के साथ, एक नवी जगह के साथ। तो फिर एक बार वैसाखी थी, बहुत बहुत मुबारक, बाय बाय।